हेलो एवरीवन, ये परम्यूटेशन का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको सारी टर्म्स समझाने की कोशिश की थी, एंड सेकंड में हमने ये प्रूफ किया था कि जो इवन परम्यूटेशंस का सेट होता है उसका ऑर्डर n फैक्टोरियल बाई 2 होता है। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकेंगे, एंड इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, परम्यूटेशंस का इनवर्स किस तरीके से निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सिग्मा गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है, एंड हमें ये शो करना है कि रो सिग्मा रो इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस सिग्मा की वैल्यू ले ली। अब आप इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपस में इंटर कन्वर्ट करे जा सकते हैं। लाइक इससे मैं ये भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और वापस से इससे ये भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वो किस तरीके से लिखा है, 172635 84। तो 1 के बाद देखिए क्या है, 7, तो ये 1 के नीचे आ जाएगा 7। उसके बाद 7 के बाद है 2, तो नेक्स्ट में 7 एंड उसके नीचे देन 2, देन 2 के बाद है 6, तो 2 के बाद 6, फिर ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं वही सेम चीज़ हम इधर लिख रहे हैं, 6 के बाद है 3 6 3, देन 3 5 3 5 5 8 5 8 8 4 8 4, एंड वापस से 4, एंड ये चला जाएगा फिर से इधर 4 1। ठीक है, तो ये इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आपस में दोनों चीज़ें इक्वल हैं, हम इसलिए ऐसे लिखते हैं। एक अकॉर्डिंग एक सीरीज़ में हो जाता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इससे ऐसे लिखा जा सकता है, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब चेंज कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाला जो रो था उसमें हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे का कैसे चेंज होगा। अब आप देखिए, 1 के नीचे क्या होना, यहाँ पर 1 के नीचे क्या होना चाहिए था, 7, तो 1 के नीचे हमने 7 लिख दिया। यहाँ पर 2 के नीचे क्या है, इसमें आप चेक कर लीजिए, 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। 3 के नीचे 5 होना चाहिए था, 4 के नीचे 1 होना चाहिए था, 5 के नीचे 8 होना चाहिए था, 6 के नीचे 3 होना चाहिए था, 7 के नीचे 2 होना चाहिए था, एंड 8 के नीचे फिर 4 होना चाहिए था। तो जब आपने ऊपर वाला जो रो था उस पर 1 2 3 एक सीरीज़ में लिख दिया है 1 से लेकर 8 तक, तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि जो पहले लिखा हुआ था उसमें सेकेंड रो में क्या लिखा था किस डिजिट के नीचे। ठीक है, तो ये इसमें चेंज हो गया। हमने इसको मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि सिग्मा जो है वो हमारा इस फॉर्म में है, तो हम इन दोनों को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो रो एंड सिग्मा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, रो की वैल्यू ये लिख दी जो हमें गिवन थी, और ये हमने सिग्मा की वैल्यू लिख दी। रो की वैल्यू ऑलरेडी जो है एक अकॉर्डिंग में लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने इसको ऑलरेडी चेंज कर लिया था, तो दोनों 1 2, इससे कन्फ्यूजन नहीं होती एक्चुअली। तो ये हमने लिख दिया, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो ये फर्स्ट जो है सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये जो सेम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट वाला हमने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अब 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 के नीचे क्या है, 1 के नीचे है हमारे पास 7, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इस वाले से। ठीक है, अब हम इस पे आ जाएंगे, 1 के नीचे 7 था और यहाँ पर 7 के नीचे क्या है, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 के नीचे 6। अब हम लेंगे 2 के लिए, तो 2 के लिए यहाँ पर क्या था, इसमें चेक किया सबसे पहले 2 के लिए यहाँ पर 6 था, और अब यहाँ पर चेक करेंगे 6 के लिए, यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी क्या है, 7, तो ये आ गया 7। इसी तरीके से 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए यहाँ पर 5 था, एंड 5 के लिए यहाँ पर है 8, तो ये आ गया 8। देन है 4, 4 के लिए यहाँ पर है 1, एंड 1 के लिए यहाँ पर है 2, तो ये आ गया 2। देन है 5, 5 के लिए यहाँ पर है 8, 8 के लिए यहाँ पर है 1, तो ये आ गया 1। देन इसी तरीके से बाकी तीनों, जैसे 6 के लिए यहाँ पर था 3, एंड 3 के लिए यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4। इसी तरीके से हमने बाकी दोनों को भी चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें रो इनवर्स निकालना है। तो रो हमें गिवन है, रो इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास, जस्ट ए सेकेंड, मैं मैच कर लेती हूँ। क्वेश्चन है 1 2 2 5 3 4, यहाँ से आप डायरेक्टली देखते हैं कैसे चेंज किया, ये रहा रो और ये रहा रो इनवर्स। हम क्या करते हैं, इसको बस ऊपर नीचे कर देते हैं, लाइक यहाँ पर क्या है 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1, ये है 2 5, ये हो जाएगा 5 2, देन है 3 4,
तो 4 3, क्योंकि इन्वर्स कर देना जस्ट आपको। नेक्स्ट है 4 3, देन ये हो जाएगा 3 4, 5 8 एंड 8 5, 6 7, 7 6, देन नेक्स्ट वाला है 7 6 और 6 7, देन 8 1, ये हो गया 1 8। इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। देन फिर से हमें इसको सिंपलर बनाने के लिए, क्योंकि आगे हमें प्रोडक्ट करना है, ये इसका फर्स्ट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमने इसको चेंज कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देख के चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 1 के नीचे 8 होना चाहिए था, ये 8 है यहाँ पर, तो चेंज कर दिया। 2 के नीचे 1 होना चाहिए, 3 के नीचे 4 होना चाहिए, 4 के नीचे 3 होना चाहिए, 5 के नीचे 2 होना चाहिए, जो भी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंगली जो नीचे डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। अब क्योंकि हमने इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया था, अब हमें क्या करना है, जो ये रो इनवर्स है उससे हम और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने लिख लिया, ये फर्स्ट जो हमने प्रोडक्ट निकाला था ये वाला, वो लिख दिया, और अभी जस्ट हमने रो इनवर्स निकाला है वो लिख दिया। अब डायरेक्टली ये स्टेप्स आपको करने की जरूरत, यहाँ तक ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये यहाँ पर ही आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 ये भी सेम है, तो मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 के नीचे यहाँ पर 8 है और 8 के नीचे यहाँ पर 3 है, तो ये लिख दिया 3, वही सेम जैसे कि अभी हमने लास्ट में किया था। देन 2 के लिए निकाल रहे हैं, 2 के लिए यहाँ पर है 1 और 1 के लिए यहाँ पर है 6, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6। 3 के लिए यहाँ पर है 4 एंड 4 के लिए यहाँ पर है 2, तो ये आ गया 2। देन 4 का हो गया 5, 5 के लिए यहाँ पर 2 है एंड 2 के लिए यहाँ पर 7 है, तो 7। इसी तरीके से बाकी सारा होएगा। अब ये देखते हैं इससे ये कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि पहले मैंने आपको इंटर कन्वर्ट करना बता दिया था। सो ये क्या है 1 3 2 6 5 7, अब यहाँ पे देखिए कैसे, सबसे पहले 1 से शुरू किया, यहाँ पे 1 है तो 1 से शुरू किया 3, तो 1 का 1 3, 3 का आप डायरेक्टली देखिए क्या है 2, तो ये आ गया 2, 2 का देखेंगे तो क्या है 6, तो आ गया नेक्स्ट लेटर 6, 6 का क्या है 5, तो नेक्स्ट 5, 5 का क्या है फिर 7, तो नेक्स्ट 7, देन 7 का है नेक्स्ट 4, तो 4, एंड 4 का क्या है नेक्स्ट 8, तो 8, 8 का नेक्स्ट है 1, तो फिर से हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ गए। ओके, एंड अब हमें इससे हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये कन्वर्ट करने का रीज़न सिर्फ यही है सो दैट हमें जो प्रूफ करना है वो हम प्रूफ कर सकें, हमें ये प्रूफ करना था ना। तो हम जो चेंज करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लाइक 1 का 3 है, 3 का 2 है, 2 का 6 है, 6 का 5 है, तो ये अकॉर्डिंग जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो 2 का 6 होना चाहिए था, 2 का 6 ही है, 6 का 5 होना चाहिए था, लेट मी क्लियर इट। सो यहाँ पर हम इस चेक करेंगे कि चेंज ना हो। सो 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो आप देखेंगे 2 6 5 7 4 8, इवन यहाँ तक ठीक है। 8 के बाद क्या होना चाहिए था, ये 1, देन ओके 1 भी ठीक है, 1 के बाद 3 होना चाहिए था, ये भी ठीक है। तो जो हमने इसको चेंज किया, इससे हमने इसके जो सीरीज़ को उसको इफेक्ट बिल्कुल नहीं किया, जो इसकी जिसकी इमेज थी हमें वही मिली है। तो ये इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, हम रेंडमली आगे पीछे चेंज नहीं कर सकते कि आगे हमने 2 3 1 अपने मन से लिख दिया, बट वैसे किया जा सकता है, लाइक 8 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, तो ये इस साइकिल में चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि हमें रो की इमेज चाहिए ना, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से होता है, रो की अगर हम 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं सो दिस इज़ 2, ओके, एंड इसी तरीके से आप 2 का निकाल रहे हो तो उसके नीचे आप चेक कर लीजिए क्या है 5। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज़ को वहाँ पर चेंज किया हुआ है। रो 3 इज इक्वल्स टू 4, रो 4 इज इक्वल्स टू 3, रो 5 इज इक्वल्स टू 8, रो 6 इज इक्वल्स टू 7 एंड रो 7 इज इक्वल्स टू 6, रो 8 इज इक्वल्स टू 1। मतलब जो जिसके नीचे था वो उसकी इमेज हो गया है, और हमने क्या किया, जस्ट इसकी वैल्यूज़ को, ये जो हमने लास्ट लिखा था इसकी जगह इसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दिया, लाइक 2 की जगह पर क्या होना चाहिए था रो 1, सो ये हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, और इसी तरीके से बाकी सारे चेंज कर दिए, और ये एग्जैक्टली वही हमें मिल रहा है जो हमें प्रूव करना था, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। सो आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है, बट इनकेस कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें 2 3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हम इनवर्ट्स किस तरीके से कर सकते हैं,
या फिर दो परम्यूटेशन या तीन परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, एंड देन इसको हम रो की वैल्यू, जो रो की इमेज है, उस तरीके से भी लिखा जा सकता है. सो ओके, थैंक यू.